हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 12 और वंदना पी रही है ORS। तो ये देखो, ये दे के गई है आशा बहन जी। और कहते गए थे कि इंजेक्शन लगवाना और बच्चों का वजन करवाना। तो आज मेरा लगेगा दूसरा इंजेक्शन प्रेगनेंसी में। तो चलिएगा, अब चलते हैं। और वंदना की माँ जी भी आ गई खेत में से। तो वंदना की माँ जी के साथ जाएंगे क्योंकि रेन दीदी की हो रही थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं तो नहीं जा पाई मेरे साथ। तो मैं माँ का इंतज़ार कर रही थी, तो अब माँ जाएगी। तो पीहू ने देखो कल चोट लगवा ली थी, ये देखो कितनी सारी ठुड्डी फुड़वा ली थी अपनी, जिन्ने पर गिर गई थी। तो इसको भी दवाई लेने जाना, कहीं वजन होगा वहाँ। तो मम्मी, तो चलो चलते हैं। माँ को बोल दो उनको, माँ इंजेक्शन लगवा कर लिया हमारा। पट्टी लगवाओगे? हाँ। चल तो ठीक है, अपना यो पीला। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, बारिश जैसा मौसम हो रहा। और चीकू आगा, अनक कहाँ रहेगा? चप्पल पहनना, सैंडल। तो ये दोनों बहन भाई तो आ गए। और देखो खेत वाले भी आ गए घास लेकर। और ये खोल दिया पशुओं के काटने का, तो अब ये काटेंगे। तो तब तक ये घास काटेंगे, हम लगवा कर इंजेक्शन और फिर इन्हें देंगे खाना आके। तो ये देखो तीनों बहन भाई हो गए तैयार। और फिर पहना रही अपने भाई को चप्पल, इन्हें उल्टी पहन रखी ना। तो ये तो सुधी पहना रही है पहन। प्यूल कहाँ जाना? तो इन तीनों बच्चों का होगा का वजन। और बच्चे तो जा रहे, मम्मा जा, रावी अनग आदिराज में जा रहे मम्मा का। तो इन तीनों का होगा। तो चल रहे हम माँ के साथ, माँ खेत में सारी। तो माँ धो रही अपने हाथ पैर। तो माँ खेत में से आते ही हाथ पैर धोते ही अपने पोता पोती को लेकर चल दिया है, और मुझे भी इंजेक्शन लगवाने। और इनका होगा वजन बच्चों का। तो मैं दीदी कर रही हूँ बच्चों का वजन, मैंने लगाएगी इंजेक्शन। तो देखो मेरा इंजेक्शन लगा, और अब माँ करवा रही बच्चों का वजन। तो ये देखो यहाँ पे अनक की लंबाई हो रही है, वजन तो होगा। वजन कितना हुआ अनक का? 9700 हुआ अनक का वजन। और अब पीहू की बारी आ गई। पीहू खड़ी हो जा पीछे को मिल के। पीहू का 11.5 किलो वजन हुआ, और 88 सेंटीमीटर लंबाई। अब चीकू की बारी आई, पीछे को पैर मिला लो बेटा। सो सेंटीमीटर चीकू की वजन कितना हुआ? चीकू का वजन नहीं देखा, चीकू का वजन नहीं है। तो बीपी भी चेक होगा, बीपी बहुत कम आया। और खून की जाँच में खून भी कम आया। तो खाने पीने का ध्यान रखने को बोला, और दवाई दे दी उन्होंने। दूध तो नहीं रहा, सब्जी सब्जी तो चल रही। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया है ORS पीने के लिए पानी में घोल के, क्योंकि बीपी बहुत कम हो रहा। तो कई दिन से ना काम करने का भी मन नहीं है, और नींद भी काफ़ी आ रही, तो इसीलिए ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा हमारा। तो इसीलिए ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। और ये दे रही है कैल्शियम आयरन की, देखिएगा कितनी सारी गोलियां, ये सुबह शाम खानी है। और खून की जाँच हुई है, और खून भी की भी कमी बताई है डॉक्टर ने। खाने पीने का ध्यान रखने को बोला है, लेकिन खाने पीने का तो ध्यान रख रहे, लेकिन वो है ना कि खून नहीं बढ़ पा रहा। तो
उन्होंने बोला कि अच्छे से अपने खाने पीने का हरी सब्जी वगैरह खाओ और तभी खून बढ़ेगा। अब की बार ना बहुत ही कम आया है, पिछली बार तो ठीक आया था 9 पॉइंट कुछ आया था, लेकिन अब की बार 8 पॉइंट कुछ आया है खून। तो इसलिए तो फल फ्रूट तो परमानेंट ही चले, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि खून नहीं बन पा रहा, तो इसीलिए तो और वजन भी हुआ, मेरा वजन हुआ पिछली बार 52 हुआ था पूरा, अब की बार हुआ 53 200, और बच्चों का भी हो गया। तो चीकू का वजन तो अनि उसकी हुई है हाइट, हाइट हुई, और अनक और पीयू की वजन भी हुआ और हाइट भी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, और रावी और अभिराज का रहेगा, मैं गए हुए हैं मामा का, तो उनको भी बोल लेती जब अब की बार में आ जाएंगे तो उनको भी लेकर आना, तो उनका भी वजन होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो नींबू पानी बोला और ORS पीना है ये। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब कर देते हैं यहीं पर ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।